वेलकम बैक। और आज हम करेंगे क्वेश्चन 4C का फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, जो है परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑफ अ कैलकुलेटर। अरिथमेटिक ऑपरेशंस यानी हम प्लस माइनस मॉड्यूलो डिविजिबल और मल्टीपल, ये पांच ऑपरेशंस को इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और कैलकुलेटर अगर आप देखा हुआ हो तो देखो मेरे कैसे दिखा देता हूँ आपको, तो इसमें अगर देखा हुआ हो तो जैसे कि मैंने 8+8 किया है, 8+8 तो आ गया 8, और 8 ही चाहिए, 8+8 हुआ 16 हुआ, और 16 ही प्रिजर्व हो गया, ठीक है। मैंने फिर से दो नंबर नहीं डाटे पड़े, एक नंबर तो ऑलरेडी है 16, और फिर इसमें माइनस 6 किया तो 10 आ गया, ठीक है। तो ये 10 ऑलरेडी नंबर स्टोर है एक में, और फिर मैं उसके ऊपर दूसरा ऑप्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा हम इंप्लीमेंट करेंगे सिस्टम, तो वो कैसे करेंगे देख लेते हैं। क्वेश्चन 4C का 5 VS कोड में आ जाऊँगा, नई फाइल बनाऊँगा, अब इसमें हमें इनपुट चाहिए, इसलिए इनपुट अब क्या होगा, अब बॉयलर प्लेट कोड, स्कैनर का क्लास क्लोज भी करना पड़ेगा, क्लोज कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक सिस्टम बनाएंगे कैलकुलेटर का, और डू वाइल करके बनाएंगे, डू वाइल लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा डू वाइल लूप में कि डू और इधर वाइल, ठीक है। और मैं इधर एक ऑपरेटर के लिए बनाऊंगा, केयर ओपी जो लेगा ऑपरेटर, ठीक है। और केयर ओपी के बाद एक नंबर वन भी बनाऊंगा, ठीक है, नंबर वन इंट होगा, इंट नंबर बना दिया। उसके बाद एक फ्लैग बनाऊंगा, फ्लैग वेरिएबल, वो मैं क्यों बनाऊंगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, फ्लैग 0, ठीक है। अब डू वाइल में क्या होगा, डू वाइल में एक मेनू दिखेगा, ठीक है। और मेनू में क्या होगा, मेनू में ये होगा कि आपको प्लस करना है माइनस करना है, ठीक है। तो वो एक मेनू बनाएंगे हम, और मेनू के लिए सिस्टम डॉट सेस आउट, लेकिन मैं प्रिंट एफ प्रेफरेबल करूँगा मेनू के लिए, ठीक है। तो होगा 1 प्लस के लिए, ठीक है, फिर बैक स्लैश एन, 2 होगा माइनस के लिए, बैक स्लैश एन, 3 होगा मल्टीप्लाई के लिए, एक्सलेशन 4 होगा डिवाइड के लिए, एक्सलेशन 5 क्या होगा, 5 किसके लिए होगा, 5 होगा मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लो के लिए, हाँ 5 होगा मल्टीप्लो के लिए, एक्सलेशन एंड 6 होगा, 6 क्या होगा, 6 सी होगा, सी यानी जो नंबर 1 है उसको 0 कर दो, ठीक है। मैंने आपको दिखाया कैसे उसमें हम अगर सी दबाते हैं तो 0 हो जाता है, ठीक है। और एक सेवेंथ भी होगा, सेवेंथ क्या होगा, एक्सिट करने के लिए, तो ई, ठीक है। तो ये है हमारा मेनू। इधर वाइल में कंडीशन में क्या आएगा कि अगर ऑपरेटर अगर ई है तो ये लूप से बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो ऑपरेटर ई नहीं है तो लूप चलाते रहो, और अगर ई है तो बाहर निकल जाओ, ठीक है। तो वाइल में क्या आएगा कि ओ पी नॉट इक्वल्स टू ई, ठीक है, ये आएगी हमारी कंडीशन, ओ पी अगर ई नहीं है तो। इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इनिशियलाइज मैं करूँगा सी से कर लेते, चलो ठीक है, सी से कर लिया इनिशियलाइज मैंने, तो सी से कर लिया इनिशियलाइज करूँगा ये। तो क्या करूँगा कि इफ फ्लैग इक्वल टू 0 तो क्या करो, तो सी से आउट कर दो सबसे पहले, एंटर नंबर 1, और नम वन को कर दो एस सी डॉट नेक्स्ट इन द सेम इनपुट, और फिर फ्लैग की वैल्यू बढ़ा कर दो 1 इस आउट आएगा, जो कहेगा कि ऑपरेटर एंटर करो, एंटर एंटर ऑपरेटर, ऑपरेटर के लेंगे हम ओ पी में, ओ पी को एस सी डॉट नेक्स्ट डॉट के
appear at 0, ओके। तो ये हमने कैरेक्टर ले लिया और कैरेक्टर इनपुट करेगा, ठीक है। तो कैरेक्टर इनपुट करेगा, उसके बाद एंटर ऑपरेटर, तो मैंने ये 1 नंबर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए लेकिन चलेगा, चलो एंटर ऑपरेटर इन केयर कर देता हूँ, ठीक है। इन केयर या इन कैरेक्टर, तो ये कैरेक्टर मिल जाएगा हमें। इसके बाद हम एक स्विच चलाएंगे, क्योंकि हमको कहा है कि स्विच का यूज़ करना है तो करना ही है। उसके बाद इसमें ओपी आएगा और स्विच इधर क्या हो गया, स्विच ओपी में केस पहला होगा प्लस वाला, उसमें क्या होगा, केस प्लस में होगा कि केस प्लस में सबसे पहले तो पूछेंगे सीस आउट एंटर नंबर 2 एंड नम 2 को लेंगे और फिर दोनों को प्लस करना है ना, तो नम 1 में स्टोर करेंगे नम 1 प्लस नम 2, ठीक है। और उसको आउटपुट भी करेंगे, तो सीस आउट नम 1 हो गया, ठीक है। अरे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि नंबर में नॉट इनिशियलाइज्ड, इनिशियलाइज तो किया है इधर, इनिशियलाइज करने को कह रहे, तो इनिशियलाइज भी कर दिया, चलो गई है 0, ठीक है। इनिशियलाइज भी कर दिया हमने, तो इन केस अगर कुछ नहीं हुआ तो 0 से हो जाएगा सब कुछ। अब मैं इसको कॉपी करूँगा और अलग अलग केस के लिए लिखूँगा, ठीक है। तो अगर केस हुआ मेरा माइनस, तो नम 2 लेंगे और इधर माइनस हो जाएगा और इधर हो गया, प्रिंट भी करना है मुझे, नम 1 को प्रिंट करेंगे नम 1 को, ठीक है। नम 2 क्या हुआ, डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल, हाँ चलेगा वो डुप्लीकेट। क्वेश्चन केस आएगा मल्टीप्लिकेशन वाला, मल्टीप्लिकेशन में इधर मल्टीप्लिकेशन इधर नम 1, ठीक है। अब केस आएगा डिविजिबल के केस में, इधर डिविजिबल आ जाएगा, ठीक है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सब इंट में ही दिखाऊंगा, ठीक है, मैं इसलिए मैंने ये देखा, बाकी मैं फ्लोट में भी कर सकता था। इधर क्या होगा, इधर मॉड्यूलो ऑपरेटर आएगा, तो नम 1 मॉड्यूलो नम 2 होगा। और केस अगर कोई ई दबाएगा तो फिर तो एग्जिट हो जाएगा, तो इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और कोई अगर सी लिखेगा तो क्या करूँगा, केस सी लिखेगा कोई, केस सी लिखेगा तो क्या करूँगा, नम 1 को 0 और नम 1 को 0 होने के बाद तो भी चलेगा, मैं फ्लैग कर दूँगा 0, ठीक है। फ्लैग 0 कर दूँगा तो ये फिर से इनपुट लेगा, इधर इधर फिर से इनपुट लेगा, ठीक है। ये हो गया, डिफ़ॉल्ट में क्या डालेंगे, डिफ़ॉल्ट में सी आउट की इनवैलिड कैरेक्टर, ठीक है। और ये था हमारा इतना प्रोग्राम, तो इतना ही प्रोग्राम है और इसको रन करके देख लेते हैं एक बार, चलो। ओके, तो ऑलरेडी डिफरेंट को हम नहीं यूज़ कर सकते, तो मैं कर देता हूँ इधर भी नम 3, फिर इधर कर देंगे हम नम 4, इधर कर देंगे हम नम 5 और इधर कर देंगे हम नम 6, ठीक है। नम 1 तो सेम ही रहेगा। अब मैं इधर रन करके देखूँ तो सबसे पहले मांगेगा नंबर 1, हाँ चल के देखो। तो ये मेनू, मैंने नंबर 1 को एंटर किया 5, ऑपरेटर को एंटर किया प्लस, नंबर 2 को एंटर किया 6, तो आ गया मेरे पास 11, 11 को मैंने माइनस किया फिर 1 किया तो आ गया 10, देखो ये रहा 10,
फिर 10 को मैं क्या करूँगा, ई सी करूँगा तो 0 हो जाएगा, तो नंबर 1 मांगेगा तो 4 × 5 हो गया 20, और अगर ई करूँगा तो एक्सीड। ठीक है, इनवैलिड करेक्टर तो नहीं आना चाहिए, तो केस नहीं डिफॉल्ट में, ठीक है डिफॉल्ट में रखा है तो मैं इधर केस एक और ऐड कर सकता हूँ, केस मैं और ऐड कर सकता हूँ, तो ई में ये लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है, और नम वन में प्रिंट करूँ जब तब कुछ ऐसा आना चाहिए, तब कुछ ऐसा है तो अच्छा लगेगा कि वैल्यू इधर प्लस, ये अच्छा लगेगा। ठीक है, और अपन करके देख लेते हैं, तो नंबर वन पूछेगा मेरे से 4 × 4 तो वैल्यू 16 -1 तो आ गया 15, मॉड्यूलो 7 तो आ गया 1, अब ई करूँगा सॉरी सी करूँगा तो 0 आ जाएगा, तो नंबर वन से पूछेगा, नंबर वन एंटर किया, ऑपरेटर मैंने ई एंटर किया तो एक्सीड कर देगा। ठीक है, ये तो ये था हमारा कोड, और मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में ये कोड, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या।